बच्चे की तरह कर रहे हैं। ऐसे करके लाला का जात कर्म संस्कार हुआ है और अब धीरे धीरे चकाचक उत्सव मनने लगे हैं, बधाइयों की पुकार होने लगी है। बोले राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार देवी देवता पधारे हैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करने। खूब आनंद हो रहा है महाराज, वेश बदल बदल के आ रहे हैं, महा आनंद के महासागर में सब लोग गोता लगा रहे हैं और खूब लुटाने भंडार प्रारंभ किए हैं। बाबा श्री दशरथ जी महाराज ने 108 छोटे छोटे तिल के पर्वत बना के उनमें नेत्र सार सर्वस्व रख करके फिर उनको ब्राह्मणों को दान किया। 80 करोड़ गौदान का वर्णन आता है शास्त्रों में। इतना चकाचक खूब गाय हाथी घोड़े रत्न जो जो आता है सबको सब दिए जाते हैं और जो भी कोई लेता है वो अपने पास नहीं रखता, वो खुद ही दूसरे को लुटा देता है। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। जिसने दिया उसने भी दूसरे को दे दिया। भौतिक धन की आवश्यकता क्या है जब साक्षात परम धन मिल गया है। श्री मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो जब मिल गया तो फिर क्या बचे ही क्या फिर। और प्यारो भगवान मिल गए इसकी पहचान ही यही है कि संसार परिवार व्यवहार ना पसंद आता, ना उसको अच्छा लगता, ना उसमें मन लगता, ना उसका कुछ चिंतन हो पाता। और तो और अब भैया ये सब दिव्य दिव्य मणियां वहां पे लुटने लगी हैं और सरयू जी के घाटों से दक्षिणावर्ती शंख प्रकट होने लग गए हैं। उसमें से सुंदर दिव्य चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, मुक्ता मणि, प्रवाल मणि और दिव्य दिव्य पाताल के मूंगा सब प्रकट होने लग गए हैं। ऐसा सुंदर आनंद आया है। देवता लोग भी भिखारी बन बन के लुट रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, देवताओं से कहा अरे तुम स्वर्ग के देवता होकर पृथ्वी पे आके ये छोटे छोटे मणि माणे के लूट रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती है? देवता हो के भिखारी बनते हो? देवताओं ने कहा हे पितामह हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं किंतु आप जब इन मणियों का दर्शन करेंगे तो हमारी तरह आप भी भिक्षुक बन जाएंगे।
अरे ऐसा क्या है मणियों में, देखिए आप स्वयं देखिए। जैसे श्री ब्रह्मा जी ने हाथ में लेके देखा, एक एक मणि में राम लला का दर्शन हो गए। अरे बोले ये तो बड़े आनंदमय मणियां हैं, ये साधारण मणि मणि नहीं है प्यारो। जिस किसी भी मणि में, जिस किसी भी वस्तु में ठाकुर जी का दर्शन हो गए, बस केवल भक्त लोग वही स्वीकारते हैं, वही रखते हैं। ब्रह्मा जी भी आकर के भिक्षुकों की लाइन में लग गए, लाओ भैया मैं भी दो, ऐसा सुंदर आनंद आया। एक बार एक अयोध्या जी के संत काशी में गए, तो काशी के विद्वान बोले, बोले देखो हमारे काशी में 8-10 साल के बच्चे कथा वाचक हो जाते हैं, इतने विद्वान होते हैं। तो वो अयोध्या जी के संत मुस्कुरा के बोले, तुम्हारे यहाँ तो 8-10 साल बाद कथा वाचक बनते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो पहले कथा सुनाता है फिर रोता है। बोले वैसा कैसे? बोले लिखा है कही कथा सुहाई मातृ बुझाई, पहले ठाकुर जी ने कथा सुनाई फिर रोध सुने रोधन खाला। तो खूब हंसे सब विद्वान लोग, ऐसे खूब आनंद हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे सब उत्सव बनता है चकाचक। 18 घंटे बाद पुष्य जातस्तु भरतः, मीन लगने प्रसन्न थी। पुष्य नक्षत्र में भगवान आए, पुनर्वसु नक्षत्र में 18 घंटे बाद श्री भरत जी का अवतार भया है। तो जो विजया बुआ थी वो भीतर से मध्यम श्री कैकेयी माता के महलों से थाली बजाती हुई बाहर आई है और खूब जोर का आनंद आया है। बोले एक और पुत्र का प्राकट्य भया है। सब वैसा कई वैसा उत्सव मनाया, राम जी को देखा और जैसे भरत जी को देखा है भैया बिल्कुल राम जी जैसे लगे। हल्ला मचा दिया, भूत आ गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार क्या हुआ? अरे बोले जो कौशल्या जी का लाला है वो उड़ करके यहाँ आ गया श्री कैकेयी माता के महलों में। अरे बोले ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग भागे भागे कभी कौशल्या जी के महलों में जाए कभी कैकेयी जी के महलों में जाए, बिल्कुल वही देखती रह गई। अब क्या करें? अब श्री दशरथ जी ने सारे जातकर्म आदि संस्कार कर दिए, गुरुदेव ने जैसा जैसा कब ऐसा वैसा कर दिया। अब गुरुदेव से पूछे, गुरु जी ये तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कहीं एक ही उड़ उड़ के तो नहीं आ रहे हैं, ये तो दो हैं, क्योंकि पता कैसे लगा? फिर उनको हम लेके आए राम जी को भरत जी को साथ में रखा, तब जाके पता चला दो ही है। फिर आपस में सोचने लगे अब इन पे कैसे पता लगाया जाए कौन से राम जी कौन से भरत जी है। तो दशरथ जी से पूछा, गुरुदेव इनमें पहचान कैसे होगी, कौशल्या का लाला कौन सा, कैकेयी का लाला कौन सा? तो श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो तुमको एक रहस्य दिखाता हूं। ठाकुर जी के वस्त्र खोले तो उनके ऐसे हृदय में बाम भाग में एक श्री वत्स की रेखा थी, दाएं भाग में कौस्तुभ मणि का चिन्ह था और बीच में भृगुलता का चिन्ह था और कमर में रस्सी का चिन्ह था और चरणों में वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लाई चिनाढ्य, वज्रांकुश ध्वजा सरोरुह आदि के चिन्ह थे, सरोरुह माने कमल। तो ये भगवान की पहचान है, ब्राह्मणों की कृपा को प्रसाद को अपने हृदय में धारण करने वाले साक्षात नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसाद को अपने हृदय में धारण किया है भगवान ने, लक्ष्मी माता को बाईं तरफ स्थान दिया है और दाईं तरफ कौस्तुभ मणि भगवान के ऐश्वर्य का प्रतीक है और इनके कमर में रस्सी का चिन्ह। तो पूछने लग गए, गुरु जी रस्सी का चिन्ह कहाँ से आया, कैसे आया? तो गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई, एक बार ऐसे से यशोदा मैया ने लाला को बांध दिया था, उखल बंधन लीला सुनाई है, बोले तब से कमर में रस्सी का चिन्ह यशोदा मैया के प्रेम को सदा सदा के लिए भगवान ने धारण किया है। अरे राम राम, यशोदा मैया ने बांध दिया तो बोले कब बांधा था? बोले ये तो अनादि लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। बोले दशरथ जी तुम भी कोई दशरथ जी थोड़े हो, तुम भी भगवान के एक प्रेमी हो जो आज दशरथ जी के रूप में हो। दशरथ जी का पद, कौशल्या माता का पद, जशोदा मैया आनंद बाबा आदि का पद सुरक्षित है, उस पर जीव भक्त प्रेमी बदलते रहते हैं प्रत्येक कल्प में, पद वही रहता है और भगवान भी वही रहते हैं, भगवान भी नहीं बदलते हैं, ये भी वही रहते हैं।
तो ऐसे करके खूब। आप बोले गुरु जी ये तो बड़ी गड़बड़ है, दोनों एक ही जैसे दिखे, मतलब अब हमें पहचाना हो तो हम बार बार कुर्ता उठा उठा के देखेंगे लाला का। अरे अभी तो छोटे से हैं, जब बड़े हो जाएंगे खेलेंगे हम भरत जी और राम जी की पहचान करने में, ऐसे से कुर्ता उठा के देखेंगे तो अजीब सा नहीं लगेगा। श्री दशरथ जी बोले राजन जब अभ्यास में आ जाएगा, साथ रहते रहते अपने आप तुमको पता चलने लगेगा। भाई बाजार में एक ही बर्तन 50 दुकानों पे मिलते हैं, ये 50 घरों में एक जैसे बर्तन रहते हैं, अपना गिलास होता है, कभी पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाए तो पहचान जाते और ये तो मेरा है। जब बर्तन पहचान सकते हैं तो ठाकुर जी का नहीं पहचान सकते भैया, ठाकुर जी को अवश्य कहे। और प्रेमी जो होता है ये किसी भी रूप में आ जाए, ये कछुआ बने, मछली बने, गधा बन जाए, एक बार ये घोड़ा बन गए थे, एक बार ये कुत्ते के रूप में नामदेव जी ने इनके दर्शन कर लिए, कुछ बन जाए, ये मूर्ति में आके बैठ जाए तब भी, ये ग्रंथ में आके बैठ जाए तब भी, ये माता पिता गुरु के रूप में आ जाए तब भी, ये किसी भी बालक के स्त्री के रूप में आ जाए तब भी, भक्त पहचान लेता है ये है हमारे प्यारे, करोड़ों में खोज लेता है। कैसे? बोले जैसे गैया अपने बछड़े को, हजारों बछड़े हमको तो एक जैसे दिखे पर मैया खोज लेती ये है मेरा, और हजारों गौ माताओं में बछड़ा खोज लेता है जेरी मेरी मैया। तो ऐसा आनंद आ रहा है और भरत जी की सूचना सुनी है, सुंदर देव उत्सव मनाया। फिर 6 घंटे बाद श्रेषा नक्षत्र में सार पे जाते हो तो सौमित्री कुली रेभ्यो रेते रवो सार्प। सार्प कहते हैं जिस नक्षत्र का स्वामी सर्प होता है, श्लेषा, श्लेषा नक्षत्र। तो श्लेषा नक्षत्र में श्री सुमित्रा नंदन ये भी जुड़वा उत्पन्न हुए हैं, श्री शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। तो जो सुभद्रा बुआ और जया बुआ हैं लाला की, वो भीतर से 2 थालियां बजाते हुए आए हैं, अयोध्या के नगाड़ों पर चोट पड़ी है, फिर अयोध्या के समस्त नगाड़े बजे हैं, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार किए। और ये बोले दोनों आ रही है, क्या हुआ? बोले छोटी महारानी के घर में जो तृतीय महारानी श्री सुमित्रा अम्बा है, उनके यहाँ 2-2 लालाओं ने प्रकट होकर के आनंद कर दिया है, श्लेषा नक्षत्र में आए हैं, क्योंकि शेषावतार है ना, तो सर्प नक्षत्र के स्वामी, सर्प स्वामी वाले नक्षत्र में पधारे। और श्रेष्ठ का एक अर्थ ये भी होता है जुड़ा हुआ, जुड़वा, ये जुड़वा भैया आए हैं दोनों, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। तो ऐसे करके भैया अब चारों ललाओं का सुंदर दिव्य उत्सव मना है, खूब चकाचक इधर उधर से बधाइयां हो रही हैं। बोले बाज रही घनघोर बधाई, बाज रही, बाज रही घनघोर बधाई, बाज रही घनघोर बधाई, बाज रही राजा दशरथ के 4 पुत्र है, 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 छठी उत्सव कल मनाएंगे।
बड़ा विस्तार है, बड़ा चकाचक उत्सव है छठी उत्सव का। कल की कथा में हम और आप लोग बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे अनंत अवतारों ने आकर के छठी की बधाई दी है, कैसे श्री नृसिंह भगवान भी पधारे बधाई में, और सब लोगों ने क्या क्या भेंट दी। श्री मिथिलेश के मिथिलेश जी जनक जी महाराज जी ने क्या भेंट किया है भगवान को, ये सब हम और आप लोग कल के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। अभी कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। और एक और बड़ी अच्छी प्रसन्नता की सूचना ये है कि परसों हमारा हैप्पी बर्थडे है। और ऐसा वाला बर्थडे नहीं है कि जिसमें जन्म हुआ था, ऐसा बर्थडे है हरियाली तीज का। हरियाली तीज पे हमने पहली बार व्यास नदी पे बैठे थे 2002 में, और 22 हो गए, पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे परसों। तो परसों उसका भी और ठाकुर जी के नामकरण आदि संस्कार का भी चकाचक उत्सव मनाएंगे। आइए दोनों हाथ जोड़कर अपने समस्त कर्मों को, अपनी वाणी को, कथा को, सबको प्यारे श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए विश्राम करते हैं। बोलिए श्री दशरथ नंदन भगवान की राम 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 रमे राम मनोरमी सहस्त्र राम तत्तुल्य श्री राम नाम बरारणे उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से पूज्य आचार्य श्री को हमेशा प्रणाम करते हुए आज इस श्री रामचरितमानस के यज्ञ का ज्ञान यज्ञ का षष्ठम दिवस संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। मात्र 2 दिवस अवशेष हैं और ये दोनों दिवस वैसे तो आज ही से प्रारंभ हो जाता है, यहाँ का वीकेंड का दिन शुक्रवार से ही, तो कल और परसों दोनों दिन छुट्टियों के। मैं आप सबसे पुनः पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए ताकि वे लोग भी जो भी दिवस से इस बचे हैं 2 दिनों में उपस्थित होकर के और राम कथा अमृत पान करके अपने जीवन को धन्य प्राप्त कर सके। कल का जो समय होगा सायंकाल 6:30 बजे से और 8 बजे तक एवं कल तो रविवार को इस ज्ञान यज्ञ का समापन दिवस है, यज्ञ की पूर्णाहुति है, तो उस दिन का जो समय है रविवार का वह सायंकाल 6 बजे से और 7:30 बजे तक है, उसके पश्चात व्यास पूजन इत्यादि। तो मैं पुनः पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप जिस माध्यम से भी संभव हो सके, फोन के माध्यम से या जैसे भी फोन ही एक माध्यम है, उसके द्वारा अपने मित्रों को, अपने परिवार के जनों को उत्साहित करें, सूचित करें ताकि ये लोग भी उपस्थित हो सके। अस्तु, इन्हीं सूचनाओं के साथ आज की इस कथा प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देने जा रहा। आरती से पूर्व आज के प्रसाद की सेवा जिस श्रद्धालु भक्त परिवार ने कराई है, ज्ञानी परिवार की तरफ से आज की अपभोग सेवा माता श्री शांति देवी ज्ञानी जी की पुण्य स्मृति में जो प्रतिवर्ष भगवान के चरण कमलों में प्रसाद सेवा समर्पित की जाती है, इस वर्ष भी आज के दिन माता जी की पुण्य स्मृति में ज्ञानी परिवार ने यह भोग सेवा भगवान के पावन श्री चरण कमलों में समर्पित की है। भगवान से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि प्रभो ज्ञानी परिवार द्वारा समर्पित आज की इस भोग सेवा को स्वीकार करते हुए माता श्री शांति देवी जी की आत्मा को परम सुख और शांति प्रदान करते हुए ज्ञानी परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद परदस्त बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की कथा प्रसंग को विश्राम दे रहे आरती होगी, सभी से आग्रह कर प्रार्थी करिए खड़े होइए आगे आइए। धन्यवाद ज्ञानी परिवार के सभी लोग आरती के लिए आगे आ रहे हैं।